भारत व भारतीय रेलवे का एकमात्र जीवित स्टीम लोकोमोटिव सेठ यानी कि रेवाड़ी स्टीम लोकोमोटिव सेठ। तो स्वागत है आप सभी का रेल शास्त्र में। 1890 का दशक जब दिल्ली अजमेर और जयपुर के रास्ते अहमदाबाद से जुड़ चुका था और उस मीटर गेज रेल लाइन के कंप्लीट हो जाने के बाद रेवाड़ी जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन की भूमिका निभा रहा था, जहां से दिल्ली अजमेर रोहतक बीकानेर और मेड़ता रोड के लिए सीधी मीटर गेज ट्रेन्स की एक कनेक्टिविटी थी। और फिर उस रीजन में भाप इंजनों की मेंटेनेंस के लिए रेलवे ने स्टीम लोकोमोटिव सेड को खोलने का निर्णय लिया, जिसे कि रेवाड़ी में खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। साल 1893 जब इस स्टीम लोकोमोटिव सेड को पहली बार रेलवे सर्विस के लिए खोला गया था और ये स्टीम लोकोमोटिव उस समय बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे कंपनी के अंडर आता था। दोस्तों, शुरुआत में ये स्टीम लोकोमोटिव सेट पी क्लास स्टीम लोकोमोटिव और एफ क्लास स्टीम लोकोमोटिव्स को मेंटेन करता था, लेकिन दोस्तों इसके कुछ दशक बाद ये स्टीम लोकोमोटिव सेट बाई एल स्टीम लोकोमोटिव्स को भी मेंटेन करना शुरू कर देता है। दशकों तक ये स्टीम लोकोमोटिव सेट भारत का सबसे बड़ा मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव सेट भी रहता है और अपने अंत तक इस उपलब्धि को हासिल करके रखता है। दोस्तों, अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो एक समय इस स्टीम लोकोमोटिव सेट में 500 लोगों का स्टाफ कार्यरत था। दोस्तों, वर्ष 1950 के बाद से ही ये स्टीम लोकोमोटिव सेट बाई पी और बाई जी जैसे ताकतवर मीटर गेज के भाप इंजनों को भी मेंटेन करना शुरू कर देता है, जो कि उस समय पर एक नई टेक्नोलॉजी के भाप इंजन हुआ करते थे। दोस्तों, फिर आता है साल 1990 का दशक जब इस रूट पर से भाप इंजनों की सेवा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाती है और इस स्टीम लोकोमोटिव सेट के सभी भाप इंजनों को स्क्रैप कर दिया जाता है सिवाय 2 बाई जी क्लास स्टीम लोकोमोटिव के। और बाद में इस स्टीम लोकोमोटिव सेट को डीजल लोको सेट में कन्वर्ट करने की चाह में इसमें YDM-4 लोकोमोटिव को लाया गया, लेकिन तभी उसी वर्ष मिशन यूनिगॉज पारित हो चुका था और दिल्ली जयपुर मीटर गेज रेल लाइन के ब्रॉड गेज कन्वर्जन होने के बाद में इस स्टीम लोकोमोटिव सेट को यूं ही अछूता छोड़ दिया गया। और इस तरह 100 साल की मीठी सेवा के बाद इस स्टीम लोकोमोटिव सेट के मीटर गेज इतिहास का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो चुका था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगले पार्ट में हम बताएंगे आपको इस स्टीम लोकोमोटिव सेट के पुनरुद्धार की कहानी। तो जुड़े रहिए रेल शास्त्र के साथ। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।